हेलो बेबी। हाँ बेबी, मिलेंगे ना आज शाम को? आप पक्का मिलेंगे? मैं आ जाऊंगा, तुम आ जाना उस पार्क में, वहीं मिलेंगे, वहीं बैठेंगे। हाँ, कॉफ़ी पीने भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करेंगे, आएंगे। हाँ भाई, 500 रुपये दे दे। क्यों, मैं क्यों दूँ? मैं नहीं दे रहा। देख, दे दे 500 रुपये। मैं नहीं दे रहा। अच्छे से बोल रही, 500 रुपये दे दे। काहे के 500 रुपये, मैं क्यों दूँ? अरे फिर अच्छा नहीं होगा, तू ही बोलेगा कि तुझने पहले बताया नहीं मुझे। चल निकल, मैं नहीं दे रहा। एक मिनट रुक जा, रुक एक मिनट, अब तो देगा। काहे के पैसे? मैं आ जाऊंगा, तुम आ जाना उस पार्क में, वहीं मिलेंगे, वहीं बैठेंगे। हाँ अब तो देगा। ये वीडियो कैसे बनाई तूने? और ये प्लीज किसी को दिखाना मत, प्लीज। वो कुछ नहीं जानती मैं, तू बस मुझे 500 रुपये दे दे। मैं तुझे जो बोलेगी तू वो करूंगा, मैं जो 500 रुपये तुझे दे दूंगा, मैं बिल्कुल देगा, बिल्कुल दे दूंगा। हाँ, अगर किसी से बोलना बाद मम्मी से मत बोलना, पापा से बोलना। हाँ नहीं बोलूंगी, चल पहले 500 रुपये दे दे, मुझे शॉपिंग करने जाना है। 3 तक गिनती हूँ, दे रहा है? 1, ये ले। और प्लीज किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ नहीं बताऊंगी। और तूने उस दिन मुझसे क्या बोला था? कुतिया, अब जल्दी बोल अपनी प्रिंसेस, जल्दी बोल। अरे मेरी माँ, मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस हो आप तो। हाँ, और चल मेरे पैरों की मालिश कर मेरे कुत्ते, चल जल्दी कर, वरना बस एक क्लिक करना है मुझे। प्लीज तू किसी को दिखाना मत। हाँ नहीं दिखाऊंगी, जल्दी कर, जल्दी कर, वो कर दूंगा। थोड़ा अच्छे से कर कुत्ते। कर रहा हूँ। मन तो ऐसा कर रहा है इस कुतिया का, अभी का अभी गला दबा दूं, मर जाए बिना मौत की मौत, छुड़ैल कहीं की। कितनी बार बोला है मेरा लैपटॉप यूज मत किया कर। अरे भाई थोड़ी देर खेल तो लेने दे। 50 बार बोले पढ़ाई लगाई पे ध्यान लगाओ, IAS BIAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गेम खेलने हैं यहाँ पे। प्लीज बस एक बार ही खेलूंगी फिर मैं। अरे नहीं खेलने दे रहा, जा। अरे भाई दे तो दे। हाथ मत लगा देना लैपटॉप से दोबारा कभी। तेरा लैपटॉप कौन सा गंदा हो रहा है? हो जाएगा, वो तो मेरा लैपटॉप है। थोड़ी सी देर तो दे दे। भाई दे देना, मेरे प्यारे भाई दे दे। अरे मैं नहीं दे रहा, चल निकल। भाई दे रहा है कि नहीं? नहीं मैं पापा से बोल दूंगी। बोल दे पापा से। क्या क्या पापा, पापा डरता हूँ क्या मैं पापा से? हर बात पे पापा से बोल दूंगी, पापा से बोल दूंगी। मैं नहीं डरता उस डुकरे से। भैया तूने मेरे पापा को, प्यारे पापा को डुकरा बोला? डरता नहीं हूँ मैं किसी से भी। जब 16 साल का था ना, खलनायक देख ली थी। अच्छा तुम पापा को डुकरा बोला, प्यारे पापा को? डरते रहे होंगे पापा, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा। और ये तेरे पीली पीली से दांत मत देखा, वरना तोड़ दूंगा पूरे 32 के 32 तोड़ दूंगा। अब मेरे 32 दांत छोड़ो और अपनी 2000 की हड्डियां गिनना चालू कर दे। 2000 हड्डियां तो 206 होती है ना, क्योंकि पापा तेरी 206 हड्डियों को तोड़कर 2000 बनाने वाले हैं, पीछे देख। पापा, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जवान टूट गई है। और मार पापा, एक और मार, इसने आपको डुकरा बोला था। और लगाओ। डुकरा बोलेगा तू? हैं? डुकरा बोलेगा? पापा, नहीं, पापा नहीं, 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 पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा, मुंह से आवाज ने निकल लाया हमें। 2006 हड्डियां बन गई। अरे वाह भाई, तेरी गणित तो बहुत तेज हो गई। अच्छा तो भाई आज से ये लैपटॉप मेरा हुआ, बाय। अब मैं चलती हूँ, तू थोड़ा अपना इलाज करवा ले, बाय बाय। क्यों तूने मुझ में डक्का क्यों मारा? ऐसे ही। ओ तूने मुझे थप्पड़ मारा? ऐसे ही। साले कुत्ते, कुत्ते सुअर जानवर यही रहेगा तू। ओ कुत्ता सुअर जानवर बोल रही है मेरे से? तू क्यों लड़ रहे दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह? पापा इसने मुझे मारा इतनी जोर से। क्यों रे, तूने मारा ऐसे? मैंने कुछ नहीं किया पापा। हैं? पर मारा क्यों उसे? मैंने कुछ नहीं किया पापा, यही मुझे कुछ बोल रही थी।
ये मेरे से कुत्ता गधा बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं बोला और ये मुझसे कुत्तिया और बिल्ली बोल रहा था। कुत्तिया बोलेगा? मैंने कुछ नहीं किया पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा 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 मैंने कुछ नहीं किया, पापा पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने लड़ो मत, अब लड़ोगे? लड़ोगे नहीं, लड़ मत जाना, सुन लूं मैं आज की बात, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। देखो उधर क्या क्या, मैंने कुछ नहीं किया, लड़ना मत, ठीक है? मैं नहीं दे रहा, चल हट। कुत्ते तू मेरी चॉकलेट खा गया, कुत्ते कमीने। हर सुअर का दिन आता है बेटा, तेरा भी आएगा। हाँ तो बंदरिया, तेरा भी किसी ना किसी दिन आएगा, मैं भी तेरा सब कुछ और खा लूंगा, ठीक है? मैं पापा से बोल दूंगी। अरे बोल ले जा, पापा 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 हर बात पे पापा पापा लगा रहती है। तुझे याद है ना, तूने बोला था उस दिन कितनी जोर से पिटाई हुई थी, मैं आज भी बोल दूंगी तेरी। बोल दे जा। बोल दूं? बोल दे जा। रुक जा, अभी बोल। डर तो नहीं? पापा बोलूं और जोर से? नहीं मत बोल, मत बोल बहन, प्लीज मत बोल। दिलाएगा टॉफी? हाँ दिला दूंगा, पूरी टॉफी दिला दूंगा तुझे, ठीक है? चीज बताऊं? हाँ बता। देख वो क्या जा रहा है। क्या जा रहा है? ये तो तेरा दोस्त लग रहा है। मेरा दोस्त नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड है वो, ठीक है ना? कुत्ते, यही तो आता है। और देखो तेरी गर्लफ्रेंड, वो गधी। वो कोई नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड चला गया। उसको बुला तो ले, उससे बात तो कर ले थोड़ी। मैं चला जाऊंगा, उससे बात तो कर ले थोड़ी। कुत्ते, बॉयफ्रेंड है तेरा, बात कर ले उससे। अब देख ज्यादा हो रहा है। कुत्ते तूने अभी मुझे मेरी टॉफी वापस नहीं की। नहीं की ना कर रहा। चल तू एक बात बता, अगर मुझे कोई छेड़ेगा तू तू मुझे कैसे बचाएगा? बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री करेगा? क्यों हंस रहा है? तुझे छेड़ेगा कोई? तुझे देखकर वो खुद भाग जाएगा। तुझे छेड़ेगा कोई? ऐसा मजाक मत किया, कुत्ता ही रहेगा। भाई सच में बता क्या करेगा? देख तुझे कोई छेड़ेगा ना, पहले तो तेरा हाथ लूंगा एक हाथ में, दूसरी जगह उसका हाथ लूंगा, और तुम दोनों का हाथ एक ही हाथ में कर दूंगा, और बोल दूंगा इसको ले जा, जा तुझे जाना है वहां जा। कुत्ते मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। चल भाई मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओहो कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। ओहो कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं, हमें भी साथ ले चलो। अरे और कितना चलोगी, आधा घंटे हो गए चलते चलते, अपना एड्रेस तो दे दो भैया। अरे अपना एड्रेस नहीं बताओगी क्या? कितनी देर से पूछ रहा हूँ भैया। ये देखना कब से मुझे छेड़ने लगा है। सुन आगे से तू ना किसी की बहन को भी मत छेड़ देना। तेरी कोई बहन है? नहीं है। वो भी नहीं सकती, क्योंकि बहन ना नसीब वालों को मिलती है, और ध्यान रखना आगे से, ठीक है? इस बार तो छोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना, दोबारा गलती ना हो जाए, नजर मत आ जाना मुझे इस साइड, निकल। मैंने तुझसे एक दिन ये बोला था ना कि एक हाथ में मेरे हाथ में लूंगा और दूसरा हाथ किसी का तेरे हाथ में लूंगा, तो उसका मतलब यही था, समझ गई ना? यही बोलना था मुझे। मैंने तुझसे बोला था ना उस दिन कि तेरा हाथ में एक हाथ में दूंगा
और उसका हाथ में अपने दोनों हाथों में लूँगा, और उसके बाद यही मतलब था उसका, समझ गई ना? हाँ हाँ अच्छा पार्टी हाँ दूंगी ना, बहुत जबरदस्त पार्टी करेंगे अपन। हाँ ठीक है, हाँ हाँ दे दूंगी दे दूंगी। अच्छा सुन मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ भाई तुझे पता है आज मेरा बर्थडे है, तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है? मुझे पता है आज तेरा बर्थडे है, तू गिफ्ट बता जल्दी क्या लेकर आया है। मैं अपनी प्यारी सी बहना के लिए ये वॉच लेकर आया हूँ, ये लो। अच्छा अच्छा थैंक यू भाई, चल ठीक है मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। A few moments later. हाँ बेबी तुमको तो पता ही है आज अपनी रिलेशनशिप को पूरा एक साल हो गया है, आज अपनी रिलेशनशिप की एनिवर्सरी रहेगी, तो मैं सोच रहा था आज से हमको एक सरप्राइज प्लान करते हैं, मैं सरप्राइज देने की सोच रहा था तुमको। हाँ शाम को मिलते हैं बिल्कुल, चलो ठीक है शाम को मिलते हैं, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। हाँ बाय बाय। अच्छा मेरा टाइम आया है तो मुझे ये सड़ी सी घड़ी पकड़ा दी, और उस चुड़ैल पे सब लुटाया आता है उसे बड़ा सा सरप्राइज देगा, और मुझे ये सड़ी सी घड़ी मुझे नहीं चाहिए ये घड़ी, देखती हूँ उस चुड़ैल को क्या सरप्राइज देगा ये घड़ी, अभी उसी के मुँह पर मार के आती हूँ। वैसे तो हर कहीं बैन बैन करते घूमता, और अब उस चुड़ैल पे लौटाने लग रहा है सारे पैसे, मुझे नहीं पहननी ये घड़ी। भाई भाई यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मैंने पूरा घर छान मारा कहीं भी नहीं दिख रहा, क्या पता कहाँ गया, लगता है उस चुड़ैल से मिलने गया होगा, अभी जाकर देखती हूँ उसे कहाँ पे गया है। क्या हुआ बोलो ना कुछ। यार प्रिया तुझे तो पता ही है आज अपने रिलेशनशिप को पूरा एक साल हो गया है, आज अपने रिलेशनशिप की एक फर्स्ट एनिवर्सरी है। हाँ मुझे पता है। और तुमको ये भी पता होगा शायद कि आज मेरी सिस्टर का भी बर्थडे है। तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे है आज? हाँ अच्छा। तो मेरे पास जितना कलेक्शन था ना, तो उस मैंने कलेक्ट करके मेरी जितनी सेविंग थी सबको इकट्ठा करके मैंने उसको एक सरप्राइज में बॉक्स गिफ्ट कर दी है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ बट थोड़ा सा तो लगा, पर कोई बात नहीं, माफ़ कर देना मुझे तुमको बुरा लगा हो तो। ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। यार प्रिया मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारे लाने सरप्राइज गिफ्ट करूँगा। हाँ हाँ तो मैंने इसी वजह से नहीं कर पाया, मैंने मेरी बहन को वॉच गिफ्ट कर दी है सारे पैसे उसके बर्थडे पे। तुमने वॉच गिफ्ट कर दी? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, यू नो भाई को बहन से प्यार करना चाहिए, और तुमने अपनी बहन को बर्थडे गिफ्ट दिया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारी एनिवर्सरी का क्या हुआ वो तो हम अगले साल मना लेंगे। हाँ वो तो आती जाती रहेगी, लेकिन बहन है वो हमेशा अपने साथ रहती है, तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बार तुम्हारी सिस्टर को कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करें, हम कुछ सरप्राइज दें उसको, उसको बहुत खुश हो जाएगी वो। हाँ हाँ आइडिया अच्छा है। अच्छा है ना आइडिया, तो इस बार ना हम कुछ पार्टी देते हैं बहन को तुम्हारी। हाँ फिर वो भी खुश हो जाएगी। कैसा रहा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ। यार प्रिया तुमको बुरा तो नहीं लगाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा, जब तुम जैसा जीवन साथी होने वाला जीवन साथी मेरे साथ है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ कर रहे हो। हमारा क्या है, हम तो लाइफ टाइम साथ रहेंगे, हमें मिलके साथ रहना है। हाँ बहन तो शादी करके चली जाएगी, तुम जितना खुश रख सकते हो अभी उसे उतना खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ चले चलो। हाँ चलो। भैया ये मेरे लाइफ का बेस्ट गिफ्ट था, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, और आप मेरे वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, एंड आई लव यू भैया। तो तुम इसी की बात कर रहे थे, यही है तुम्हारी बहन, कितनी प्यारी है तुम्हारी बहन। हाँ पता है आज तुम्हारे बर्थडे पे हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है तुम्हारे लिए, तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। थैंक यू भैया, एंड आपके लिए भी थैंक यू। कितनी अच्छी बहन है। भाई बहन के प्यार में बस इतना सा अंतर है कि रुलाकर जो मना ले वो भाई है, और रुलाकर जो खुद रो पड़े वो बहन है।